सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T2X5G डिवाइस के अंदर आप जो है स्मार्ट स्क्रीन का यूज कैसे कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपने स्क्रीन को दो डिस्प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक डिस्प्ले में आप जो है कोई और एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, देन दूसरे फोन दूसरे डिस्प्ले के अंदर आप दूसरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कि स्प्लिट कर सकते हैं, जो मल्टी विंडो कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसे करेंगे, चलो हम डेमो करते हैं इसका, आपको दिखाते हैं कैसे हमें स्प्लिट स्क्रीन अपने फोन के अंदर एक्सेस करना है। वेल गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने फोन सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर है, एक बार इसके हम होम डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये हमारा होम डैशबोर्ड, एंड आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो सर्च बार से स्मार्ट स्पीड सर्च करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तीन चार तरीकों से हम स्पीड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ऑन करेंगे सबसे पहले सेटिंग्स को। इसके लिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी को ओपन करेंगे। सेकेंड ऑप्शन मिलता है स्मार्ट स्पीड, एक बार इसको प्रेस करेंगे। देन हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, थ्री फिंगर्स से हम कर सकते हैं। देखो ये सब ऑप्शन अगर ऑफ है तो सबको ऑफ कर लेना। जनरली क्या होता है कि ये ऑफ नहीं, अगर ऑफ रहते हैं तो आपका काम नहीं करता, जो भी फीचर आप एक्सेस करना चाहे। मैसेज स्पीड स्क्रीन है, अभी काफी कमाल का है। फिलहाल हम यहाँ पर थ्री फिंगर से कर सकते हैं, रिसेंट ऐप से कर सकते हैं, देन यहाँ पर कंट्रोल सेंटर से भी स्पीड कर सकते हैं। आपको मैसेज स्क्रीन का जो ऑप्शन मिला था स्पीड करने का, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक दैट नॉर्मली अगर फोन को एक्सेस कर रहे हैं तो लोगों को, मान लीजिए यहाँ पर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और मैसेज जैसे एप्लीकेशन का कोई लोबो आता है, नोटिफिकेशन तो लोबो बन के आता है वहां पर, कभी नोटिस करा होगा आपने, उसमें अगर क्लिक कर देते हैं तो आपकी डिस्प्ले इजीली स्पॉट हो जाती है। तो उसके लिए आपको इस वाले फीचर को टर्न ऑन करके हमेशा रखना है। नीचे है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन में वो चीजें होती है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने रिसेंटली यूज करा तो वो रिकमेंड करता है स्प्लिट स्क्रीन में, तो आप वहां पर क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सभी को डेमो करने की, हमें कैसे एक्सेस करना है। लाइक दैट कि यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, एंड ये चीजें काम, देखो कैमरा सेटिंग्स वगैरह पे काम नहीं करती, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में काम नहीं करती, तो उसको ध्यान में रख के एक्सेस करें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो सारी एप्लीकेशंस पे ट्राई करना शुरू कर दें। तो अब देखो थ्री फिंगर को अगर स्क्रीन डाउन करते हैं तो स्क्रीन शॉट होता है, स्वाइप अप करेंगे तो हमारा स्प्लिट स्क्रीन कन्वर्ट होगा। पहला फीचर यहाँ पर ये काम करता है। देन हम यहाँ पर किसी चीज को यूज कर सकते हैं, मैंने यूट्यूब को रन कर दिया, दोनों डिस्प्ले काम कर रही है और दोनों में हम एक्सेस कर सकते हैं। वेल ये तो हुई हमारी बात यहाँ से, जो हम स्प्लिट कर सकते हैं थ्री फिंगर से। सेकेंड हमने यहाँ पर बताया था आपको रिसेंट ऐप से भी कर सकते हैं। लाइक दैट कि यहाँ पर रिसेंट ऐप में आएंगे आप, यहाँ पर देखो जिन एप्लीकेशंस के पास आपको डॉट दिख रहा है ना, इस पर प्रेस करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था सेटिंग्स पर काम नहीं करता, इसको प्रेस करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जिन एप्लीकेशंस पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिले तो आपको स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये भी इजीली फिर से स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड हमने बताया था कंट्रोल सेंटर, उसके लिए सबसे पहले हमें ऐप्स को ओपन करना होता है जिन ऐप्स में हमें स्प्लिट स्क्रीन करना होता है। लाइक दैट हमने प्ले स्टोर अगेन ओपन किया, कंट्रोल सेंटर को नीचे करेंगे। अब इसके अंदर हमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जरूरी नहीं कि हमारे फोन में यहाँ है तो आपको यहीं पर मिलेगा, आप इसको ट्राई कर लेना। एंड यहाँ पेंसिल साइन पर क्लिक करके सभी शॉर्टकट्स को पहले कंट्रोल सेंटर के अंदर ऐड कर लेना, तो आप यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो ये इजिली यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। तीन चार तरीके थे मैंने आपको बता दिया इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। जो रिकमेंडेड वाला ऑप्शन था ना, ये मैं आपको बताऊं, प्ले स्टोर मैंने ओपन करके रखा है, ओपन है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करा था पहले रिसेंटली वो भी ओपन है, यूट्यूब को ओपन करा था वो भी है, ये होता है रिकमेंडेड वाला। तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं एज ए स्प्लिट स्क्रीन। आई थिंक गाइस समझे होंगे स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग का एक्सेस कैसे करना है वीवो के T2X5G डिवाइस के अंदर।